80,000 का बजट है आपको अगर लैपटॉप खरीदना है तो गाइस सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट ही खरीदो 13 जनरेशन। अगर 12 जनरेशन का प्रोसेसर भी खरीद रहे हो तो मार्केट में ऐसे प्रोसेसर है जो गाइस तगड़े है। अभी के लिए गाइस 13 जनरेशन के प्रोसेसर्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं और मार्केट में जो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सिर्फ 4 ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट सेलेक्ट की है एट 80,000 प्राइस पॉइंट। और लिस्ट में जितने सारे ऑप्शन है उसमें से एक तो मैकबुक है बट बाकी सारे ऑप्शन इंटेल की ओर से है। आपको अगर राइजन प्रोसेसर के साथ लैपटॉप खरीदना है तो गाइस एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है जिसमें सारे राइजन लैपटॉप्स की बात की है एट 80,000 प्राइस पॉइंट, वो वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट करना। अब सीधे चलते हैं पहले लैपटॉप की ओर। उससे पहले हमें अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दैट विल मीन लॉट टू अस। गाइस लिस्ट का जो पहला लैपटॉप है इसका नाम है Asus VivoBook 15। ये लैपटॉप कई वीडियोस में हमने रेकमेंड किया है, इस वीडियो में भी डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे क्योंकि 75,000 प्राइस पॉइंट पे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप खरीद सकते हो। इस लैपटॉप में दो चीजें जो काफी ज्यादा अच्छी है जो इस प्राइस पॉइंट पे बाकी सारे लैपटॉप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो गाइस प्रोसेसर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है बट 13500H प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। ये गेमिंग प्रोसेसर है और 12500 का ये सक्सेसर है। इवन 12500 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इस प्राइस पॉइंट पे 12500 भी नहीं देखने मिलता। सो 13500 आपको 75,000 में देखने मिल रहा है, बड़ी बात है। और सेकंड सबसे अच्छी चीज है वो है OLED पैनल। 15.6 इंचेस का फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। 600 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, 100% DCI-P3 कलर गैमेट और 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। इंटेल आईरिस एक्स के ग्राफिक्स दिए गए हैं। ये लैपटॉप में गाइस कोई भी कमी नहीं है, डेफिनेटली इसे ग्रैब कर सकते हो। प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने मिलती है Asus की ओर से। और रैम की बात करें तो 16GB प्री इंस्टॉल रैम देखने मिलता है, इसे आप अपग्रेड तो नहीं कर पाओगे ये एक चीज़ है। 512GB की Gen 4 SSD देखने मिलती है। सो 75,000 के प्राइस पॉइंट पे ये अनबीटेबल स्पेक्स है, डेफिनेटली आग बन करके खरीद सकते हो। अब जिन्हें भी HP का लैपटॉप चाहिए और कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज के साथ तो इस HP Pavilion Plus एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 14 इंचेस की स्क्रीन साइज देखने मिलती है और इस लैपटॉप का डिस्प्ले गाइस हाईलाइटेड फीचर है। 2.2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने मिलता है, 100% sRGB कलर गैमेट और 300 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। ये डिस्प्ले यूजुअली जो क्रिएटर होते हैं उनके लिए वेल सूटेड है। सो जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशन में हो और 14 इंच स्क्रीन साइज वाला लैपटॉप खरीदना है तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है अगेन काफी पावरफुल है, i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है बट 12500H है। 6 कोर 12 थ्रेड ये फीचर करता है। 16GB की ऑनबोर्ड रैम देखने मिलती है जो कि DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। 512GB की SSD है, Gen 4 SSD देखने मिलती है, ये एक अच्छी चीज है। इंटीग्रेटेड इंटेल आईरिस एक्स के ग्राफिक्स है और MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम देखने मिल जाता है। 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप ये इजीली प्रोवाइड कर देता है। इस लैपटॉप में कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, डेफिनेटली खरीद सकते हो। सारी पोर्ट्स प्रेजेंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रेजेंट है, बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पे HP की सबसे अच्छी मशीन है ये। और HP Pavilion सीरीज है तो सारे प्रीमियम फीचर्स है, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। अब लिस्ट की जो अगली मशीन है ये EO सर्टिफाइड है। सो जिन्हें भी EO सर्टिफाइड लैपटॉप ही खरीदना है वो अगले लैपटॉप के साथ जा सकते हो। EO सर्टिफाइड लैपटॉप के अपने फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो थंडरबोल्ट पोर्ट 4 देखने मिल जाता है, उसके बाद लेटेस्ट वाईफाई 6E या फिर 6 का सपोर्ट देखने मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 या फिर 2 का सपोर्ट देखने मिल जाता है। सो ये सारी चीजें EO सर्टिफाइड लैपटॉप में मिल जाती है। प्लस जो बैटरी बैकअप होता है वो मिनिमम 9 आवर्स का तो होता ही है और जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो भी इसमें होता है। इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है ये भी कमाल का है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, i7 12 जनरेशन का है बट 12700H प्रोसेसर है जो गाइस 14 कोर 20 थ्रेड फीचर करता है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 16GB की DDR4 रैम देखने मिलती है, ये गाइस आप एक्सपांड कर सकते हो 24GB तक और 512GB की Gen 4 SSD देखने मिलती है। डिस्प्ले तो गाइस OLED पैनल देखने मिलता है, सो नो डाउट सबसे बेस्ट ही होते हैं ये। 15.6 इंचेस का OLED पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 100% DCI-P3 कलर गैमेट और 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। और इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 0.2 मिलीसेकंड का है, सो काफ़ी अच्छा है। इंटीग्रेटेड इंटेल आईरिस एक्सी के ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं, MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम देखने मिल जाता है। ये लैपटॉप गाइस वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जो आप खरीद सकते हो अराउंड 80,000। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं 82,990 इसकी प्राइस पॉइंट शो कर रहा है बट गाइस नॉर्मल डेज में 79,990 के प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली मिल जाता है। सो थोड़ा सा रुक के इसे 80,000 में ही ग्रैब कर लो, काफ़ी अच्छी मशीन है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रेजेंट है और बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड भी प्रेजेंट है।
इस लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं है, बेझिझक 80,000 के प्राइस पॉइंट पे इसे खरीद सकते हो। 75,000 के प्राइस पॉइंट पे Asus VivoBook OLED 15 खरीद सकते हो। और आपको अगर Apple इकोसिस्टम में जाना है तो गाइस MacBook ऑप्शन है ही, M1 चिपसेट के साथ 80,000 में ही आराम से मिल जाता है। ये लैपटॉप 2020 में लॉन्च हुआ था बट आज भी काफ़ी रेलेवेंट लैपटॉप है। और इसकी जो चिपसेट है ये पावरफुल चिपसेट है, आपको गेमिंग करनी है तो इसे अवॉइड कर सकते हो बट बाकी सारे प्रोफेशनल काम ये इजीली हैंडल कर सकता है। इसमें आपको 8 कोर का CPU देखने मिलता है, M1 चिपसेट, 8GB की DDR4 RAM दी गई है और 256GB की SSD। आप RAM और SSD दोनों ही अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको उस हिसाब से 16GB RAM वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। और SSD की बात करो तो आप एक्सटर्नल SSD यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो डिस्प्ले अगेन अच्छी क्वालिटी का ही देखने मिलता है एप्पल में। IPS पैनल दिया गया है, 400 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो अगेन अच्छा है, 8 घंटे का मिनिमम बैटरी बैकअप ये डिलीवर कर देता है। इस लैपटॉप में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन्हें भी सबसे लाइट वेट लैपटॉप खरीदना है, ये सिर्फ 1.2 kg वे करता है, इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, जिन्हें भी विंडोज़ की आदत है वो मैकबुक खरीदने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेना अपनी ओर से, सीधे से मैकबुक मत खरीद लेना, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो एप्पल इकोसिस्टम में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट बाकी विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड के साथ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है ही, वहाँ पर पूछ सकते हो, हम ज़रूर से हेल्प करेंगे। वैसे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।